प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। वे सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वे सीधे साबरमती डे केबिन के पास रेलवे के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा रहते हैं। मैं खास तौर से मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी लेकर आया है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले देश में नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य ऐसे थे जहाँ की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा मानव रहित रेलवे फाटक थे, वहाँ लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे थे। 2014 में सिर्फ 35% रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। रेल लाइनों का दोहरीकरण पहले की सरकारों की प्राथमिकता में था ही नहीं। और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे।